लस्सी एंड आलू के पराठे, पंजाब के फेमस स्पेशल थाली था पंजाबी। कैसा लगा खाने में? एक नंबर खाना पंजाब का। खतरनाक था। ओके गाइस, तो इट्स 9:15 नाउ एंड वी आर लिविंग फॉर मनाली। दिस इज न्यू दिल्ली, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ न्यू दिल्ली। तो दोस्तों देख लो, जिससे डरते थे वही बात हो गई। फिर से दिल्ली से निकलते वक्त वही जाम जो लास्ट ईयर हमें मिला था दिसंबर में। ये किसान आंदोलन का हमें लगता है, मुझे लगा था ये आंदोलन खत्म हो गया या तो फिर एटलीस्ट शिफ्ट हो गए हैं कोविड में। बट आप देख सकते हो प्रॉपर पक्के मकान बना लिए हैं यहाँ पे, कहीं घर वर नहीं पे कंस्ट्रक्शन कर ले। इस हिसाब से यहाँ पे मतलब ये दिल्ली का जो बॉर्डर है राई से पहले सिंधु बॉर्डर, यहाँ पे जमाए हुए लोग, फिर से हम लोग को अंदर गली गली घुस घुस के आना पड़ा बाहर। सो गाइस, वी आर क्रॉसिंग ऑलमोस्ट वी आर नियर टू मोहाली पंजाब। ये देख सकते हैं आप पंजाब का एरिया है। अभी हमने एंटर किया चंडीगढ़ क्रॉस करते हुए पंजाब को, मतलब एक्सटीरियर लिए हैं चंडीगढ़ का। उसके पहले था हमारा हरियाणा और उसके पहले दिल्ली, दिल्ली से आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पंजाब। ये देखिए सामने अमृतसर, शिमला, लुधियाना, मनाली, रोपर, कार सब इधर ही है। तो पंजाब में घूमने का एक अलग ही मज़ा है, काफ़ी अच्छा मतलब माहौल होता है यहाँ पे। देख सकते हैं आगे जाएंगे अभी रूपनगर, वहाँ से राइट लेंगे एंड विल हेड टूवर्ड्स मनाली। तो अभी भी यहाँ से 8 आवर्स दिखा रहा है गूगल मैप मनाली पहुँचने में। पंजाब आए और पंजाबी खाना ना खाएं तो फिर बात नहीं बनती है, क्या रोहित भाई? चलते हैं फिर कहीं पे पंजाबी खाने मिल जाए तो अच्छा होता। थोड़ा सा लंच का टाइम ऐसे भी हो गया है, 2:30 बज चुका है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस देखिए पीछे था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अभी रोहित भाई चला रहे हैं मॉर्निंग से दिल्ली से, तो अब स्विच करेंगे अब थोड़ी देर बाद, थोड़ा हम भी चलाएँगे हिल्स में और फिर दिखाते हैं हिमाचल जब इन करेंगे तो इवनिंग में हिमाचल इन करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार है अब तक। आई थिंक हिमालयाज और हिमाचल इज़ द मोस्ट awaited destination of every Indians। हाँ जी, तो पंजाब में है और पंजाब में हो और गुरुद्वारा ना हो ऐसा हो सकता है क्या? ये देखिए एक गुरुद्वारा मिला हमें, सुंदर सा है। मतलब अमृतसर जाने का मन तो बहुत है लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए ये गुरुद्वारा देख के मन खुश कर ले रहे हैं थोड़ा। वाहेगुरु दी फतेह, वाहेगुरु दी खालसा, नहीं वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये देखिए वाहेगुरु जी, सुंदर है ना? ये अपना पंजाब है, ये अपना पंजाब है। एक और गुरुद्वारा सुंदर सा। देखिए पंजाब के रास्ते कितने मस्त हैं, सुंदर हाईवे है, 4 लेन, जबरदस्त उड़ाते हुए जा रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है। एक और देखिए कितना अच्छा सुंदर सा था, थोड़ा लेट हो गया ले नहीं पाए। एक और गुरुद्वारा, व्हाइट गुरुद्वारा, ये वाला था सिल्वर। वेलकम टू पंजाब। ये देखिए ग्रीन पंजाब, बस मेरा शीशा गंदा हो गया, उसको इग्नोर कीजिए। देखिए धीरे धीरे जो है पहाड़ वाला फील आ रहा है, हल्का हल्का चेंज हो रहा है लैंडस्केप्स, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आने वाला है थोड़ी देर में। वही लेक चलो, 1 घंटे में हिमाचल इन कर जाएंगे हम लोग। ये देखिए कंप्लीट मील आ चुका है, थाली, लस्सी एंड आलू के पराठे, पंजाब के फेमस। तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे एक ढाबे पे बैठ करके, तो अभी खाएंगे फिर आगे निकलेंगे हिमाचल की ओर। ओके वेल, सो गाइस दिस इज नेशनल हाईवे जो कि हमें लेके जा रहा है हिमाचल प्रदेश की ओर, और यहाँ पे हमने एक लंच ब्रेक लिया श्री वैष्णव ढाबा पंजाब में। मैं सोचा पंजाबी डिश ट्राई किया जाए एंड मस्त था, ज़बरदस्त था। हमने थाली ऑर्डर किया, पिक्चर देख सकते हो, लस्सी थी एंड आलू पराठा, राइट, स्पेशल थाली था पंजाबी। कैसा लगा खाने में? एक नंबर खाना पंजाब। खतरनाक था, सिर्फ जैसा एक्सपेक्टेशंस था। हमने हरियाणा में ट्राई किया तो हरियाणा का डिसेंट था, बट ये जो था एकदम पूरा पंजाब का इज्जत रख लिया। इस देसी पंजाबी दाल मखनी और शाही पनीर, खतरनाक स्टाइल में ना, एकदम सुपर टेस्टी, जैसा कि पंजाब में फेमस है। हालांकि ये हाईवे पे ही ढाबा है तो फिर भी काफ़ी बेटर दिया, मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ एज पर द एक्सपेक्टेशंस एकदम सुपर क्वालिटी का था। खाएँ मस्त, अब यहाँ से निकलेंगे सीधा हिमाचल, नेक्स्ट खाना हिमाचल में खाना जाएगा। अभी टाइम हो गया 3:50, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं फिर। गाइस, सो वी हैव एंटर हिमाचल, इट्स 4:50 एक्चुअली। हम लोग इन कर चुके हैं
कुछ 4-15 के आसपास ही। थोड़ा सा लाइव से फेसबुक पे तो एक्यूरेंट रिकॉर्ड वीडियो थोड़ा सा अपडेट देना चाहते थे बस हिमाचल इन करके। ऐसा कुछ चेकअप भी तो कहीं कहीं चेकिंग हुई नहीं है। वैसे हमारे पास RT-PCR टेस्ट है जो हमने दिल्ली में करवाया था, मैं और रोहित दोनों, तो रिपोर्ट भी आ गया था सेम डे मणिपाल हॉस्पिटल से हमने करवाया था। तो मैंने रखा हुआ है, नेगेटिव है दोनों ऑब्वियसली दोनों का। तो सोचे कि चलो देखते हैं, क्योंकि लोग बोले थे ई पास का तो पोर्टल चल नहीं रहा था, लेकिन बोला कि RT-PCR है तो दे विल अलाउ यू इजीली। तो RT-PCR हमने करवा के रखा, अभी तो कुछ चेक नहीं हुआ। हम लोग अच्छा खासा अंदर आ चुके हैं हिमाचल, बिलासपुर आने वाला थोड़ी देर में। तो हम लोग ये रूट अलग लिए हैं मनाली के लिए, चंडीगढ़ सबसे शॉर्ट पड़ता है वाया बिलासपुर। तो बिलासपुर होते हुए हम लोग जा रहे हैं, मतलब आएगा बिलासपुर, आया नहीं है। तो मिलते हैं फिर आगे, थोड़ा सा ड्राइव करना हिल्स पे, काफ़ी कर्वी रोड है एंड पता ही आपको हिल्स पे कितना रिस्की ड्राइव करना। लेट मी ड्राइव फर्स्ट एंड देन विल शो यू। सो गाइस वी टुक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक नियर बिलासपुर, नॉट नियर, इट्स एक्चुअली बिलासपुर। आप देखिए पीछे कैफे है, मैं बैक से दिखाता हूँ। ये दिस इज़ हिमाचल रेस्टोरेंट, द हिमाचल कैफे एंड रेस्टोरेंट। ये देखिए क्या यहाँ पे कितना सुंदर ये था, इसलिए हम एक्चुअली हम लोग रुके। आई लव हिमाचल, तो सोचे कि एक यहाँ से जो है लिया जाए वीडियो एंड ऐड किया जाए ब्लॉग में। देखिए सेल्फी ले रहे हैं गोप्रो से दिखा, मेरी गाड़ी खड़ी, थोड़ा इंजन में खोल दिया हूँ क्योंकि कंटिन्यू चल रही है दिल्ली से। थोड़ा सा बस खाने का ब्रेक जो लिए थे तो उसे थोड़ा सा हवा लग जाए, उसे भी चढ़ने में ज़्यादा लोड आता है, इंजन पे हीट ज़्यादा होता है, इसलिए मिलते फिर आगे। ओके गाइस, सो वी आर इन हिमाचल प्रदेश राइट नाउ बिफोर सनसेट। आई थॉट ऑफ एडिंग अ वीडियो, अभी रोहित चला रहे हैं, आई वाज ड्राइविंग तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा था। एंड मनाली इज 167 अकॉर्डिंग टू द रोड साइड का जो रहता है मीटर, एंड अकॉर्डिंग टू गूगल इट्स 163 एग्जैक्टली। साइड वाला सही है, ये जो हम जा रहे हैं दैट इज़ होटल ग्रैंड हिल्स मनाली, जो हमें स्पॉन्सर्ड है हमारा स्टे एंड फंड भी कर रहे हैं वो, तो फॉर दिस एक्सपेडिशन एक्चुअली। तो वी आर गोइंग टू स्टे देयर व्हिच इज 163 किलोमीटर एंड इट्स इट विल टेक 4 hours and 48 minutes अकॉर्डिंग गूगल। अब देखते हैं कब पहुँचते हैं, एक्सपेक्टेड है 11:30 बजे पहुँचने का। अभी बज चुका है 6:40, इवनिंग हो चुका है, सनसेट का समय आप देख सकते हैं। हम लोग हिल्स पर ड्राइव कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5 hours से, बिलासपुर होके हम लोग आ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम। ये हिल, ये वैली देखो, वैली देखो क्या मज़ा आ रहा है, क्या ही बताएं। आगे एक नदी भी था वहाँ पे, मैं वीडियो बना नहीं पाया, नीचे रिवर था बेस में, और ऊपर तो यार जन्नत है जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हमारे साथ चलो, और क्या चलते रहो, आ तो सकते नहीं हो हमारे साथ लेकिन देख तो जरूर सकते हो, ना आ भी सकते हो अगर चाहो तो। हम लोग फिर आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, यू गोइंग टू ले अगेन, तो प्लानिट इफ यू वांट टू जॉइन अस। हर गुरु को भी दिखाता हूँ, ये देखो इन वादियों पे टकरा चुके हैं, गाड़ी थोड़ा ज़्यादा फास्ट है इसलिए धीरे धीरे देखो। ये देखो माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड वी मस्ट गो, सो वी आर गोइंग। देख लो भाई मज़ा जो है ना, जन्नत यहाँ है, चिल करो, ठंडा रहो। अभी हालांकि हमने एसी बंद नहीं किया है क्योंकि अभी उतना ठंडा हुआ नहीं है जितना हमें चाहिए बाहर का क्लाइमेट। तो अभी एसी चल रहा है, बंद शीशे के अंदर हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर इंक्लिनेशन होगा, थोड़ा सा और ये चढ़ाई चढ़ने के बाद डेफिनेटली हम लोग एसी बंद कर देंगे, क्योंकि हिमाचल में आके, हिमालय में आके एसी चलाएं तो उससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकता है। चलते हैं अभी, आगे चलता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ। मंडी आएगा देन मनाली, रात में मनाली स्टे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। रात में जब सीन चेंज होगा ना, जब दूर दूर घर दिखेंगे, लाइट्स दिखेंगे माउंटेन पे, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलते हैं अभी, फिर से आता हूँ मैं वापस थोड़ी देर में। ये देखो हिमालय दिख रहा है, सनसेट होने वाला है और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं इन पहाड़ों के बीच, और सामने है हिमालय। कुछ पिक्चर्स लेने के लिए, चलिए ये देखें कितना सुंदर नदी है, तालाब है, सब कुछ है। नदी है वो, गंगा है छोटी गंगा नहीं, बेवकूफ मत बनाइए पब्लिक को। गंगा यहाँ से निकलती है, ऊपर से निकलती है, पूरा यहाँ से बह के पूरा जाती है। दोस्तों हमारी गाड़ी हो गई है गंदी, आगे टू हो रहे हैं, शीशे हो गए हैं गंदे, थोड़ा सा साफ किया था वीडियो के चक्कर में, पर फिर भी उतनी क्लैरिटी तो नहीं है, बट हाँ मेन चीज जो है दिख जा रहा है। अब देख लो ये है हमारा हिमालय, ये है हम लोग, और ये हमारी पौड़ी हो रही है, और ये है रिवर बेस में, जो कितना सुंदर है, माउंटेन्स में रिवर
यूनिक ही होता है, अपने आप में महान होता है। भैया यार आजकल इतना कॉमन हो गया ना, मन नहीं करता आजकल ब्लॉगिंग की, इच्छा नहीं होती है। एक ही जगह बार बार आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कितना आए कितना ब्लॉगिंग करे यार। देखो हिमालय, देखो मेरे साथ, देख रहे हो हिमालय कैसा लग रहा है। हिमालय छू नहीं सकते हैं, नहीं तो छू लेते हैं उसको भी। तो भाई लोग टाइम हो गया है 8:15 और हम लोग मनाली से 2 घंटे दूर हैं, अराउंड 100 किलोमीटर। ये देखो फील ले लो मनाली का, यही बोल सकते हैं फिलहाल। तो पहाड़ पे जो घर है वो सब देखो, मज़े लो। गाड़ी पार्क किया, थोड़ा हम लोग बायो ब्रेक लिए, सेकंड बायो ब्रेक मॉर्निंग के बाद, और अब सीधा मनाली में रुकेंगे। 11 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड पहुँचेंगे होटल ग्रीन हिल्स मनाली, जहाँ पे अरिहंत भाई हैं हमारे वेलकम करने के लिए, डिनर उनर सब रेडी करके। देख लो, देख रहे हैं अगर हम लोग तो, रोहित भाई भी वहीं खड़े हैं। तो चलते हैं ऊपर जाके हिल्स में, ठंडा ठंडा होके बात करते हैं फिर क्या होता नहीं होता देख के। ओके गाइस, तो 10:30 बज चुके हैं, देखो अभी हम कहाँ खड़े हैं। दिस इज़ कुल्लू बिफोर मनाली, पेट्रोल पंप के पास गए थे, बट इनका डीजल स्टॉक ख़त्म हो गया है थोड़ी देर में। लेकिन ये बगल में देखो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, देखो क्या है ये, दिख रहा है रात में कुछ? ये एक्चुअली एक रिवर है जो बगल में बह रही है। सामने देखो ऊपर ये है, ये बेस में रिवर है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ, मुझे पता है अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन ये देख लो यहाँ से नीचे है रिवर, और ये मस्त पानी का आवाज़ आ रहा है। सब इमेजिन करो कितना मज़ा आ रहा होगा। देखो ये हमारी गाड़ी है और ये बगल में रिवर है, इमेजिन करो कितना मज़ा आता होगा। रुके मैं लाइट जलाता हूँ, देखो कुछ दिख रहा है? ये देखो ये है और ये है रिवर। ओके गाइड, सब ये 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वो डेस्टिनेशन मनाली, एंड बगल में देखिए रिवर बह रही है। जब दिखाई नहीं पा रहा क्योंकि अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट आवाज़ अगर सुनाई दे रहा देखो ये दिख रहा है आपको जो बैरिकेडिंग है बगल में, ये बगल में रिवर है एकदम क्लियर है यहाँ से, मतलब देखो आवाज़ सुनो, ये देख रहे हो ये बगल में रिवर है। दिन होता तो क्या मज़ा आता इस जगह पे। हम तो रात के बज चुके हैं 11:30, अभी भी हम दूर हैं 19 किलोमीटर। उससे पहले देखो हमें क्या दिखा, बकरे का झुंड और घोड़े और बकरे हैं यहाँ पे, देख रहे हो ये हिमाचली हिमालय वाले बकरे हैं। याक की तरह लग रहा है सर, देखिए कितना ठीक है इसके हेयर्स, ये गणेरिया है। देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था गूगल मैप पे, राइट से थोड़ा रास्ता हालांकि है नहीं तो लेफ्ट लेना पड़ रहा। देखो रास्ता कैसा है यहाँ पे, मनाली इन करने से पहले पूरा ऑफ रोडिंग हो रहा है, ये लेफ्ट साइड निकले। नीचे फिर से वही पैरेलल रिवर चल रहा है, आवाज़ भी आ रहा है। यह है 12, हमने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी अपनी, और ये है ग्रीन हिल्स मनाली, होटल ग्रीन हिल्स मनाली, कितना सुंदर है। अभी हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से, 12 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हैं अरिहंत भाई जो हमें होस्ट किए हैं यहाँ पे, वेलकम किए। तो चलते हैं अंदर फिर दिखाते हैं अंदर कैसा है। ऊपर जाना और तो गाइस वी आर इन होटल ग्रीन हिल्स। मैं दिखाता हूँ, ये हमारा रूम है 401, ये पूरा का पूरा वुडन फिनिश है। पहले आप देख लो, 4th फ्लोर पे हम लोग हैं, एंड सी दिस इज द रूम, दिस इज द कॉटेज। देखो कवर्ड है ये, पहले रूम देख लो आप, क्या जबरदस्त है नहीं ये। या दिस इज गोइंग टू अवर होम फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। ये बालकनी है, बालकनी का व्यू दिखा देता हूँ, ये बालकनी देखिए, अच्छा नहीं आएगा जी। हाँ दूर दिख रहा है पूरा टिमटिमाते हुए तारे, ये पूरा मनाली सिटी है। देखो हम लोग कहाँ खड़े हैं, नीचे लॉन है, गाड़ी उधर पार्क डे हमारी। मॉर्निंग का व्यू दिखाएंगे, अभी रात में तो कुछ नहीं दिख रहा। ये सामने पूरा वैली है, जितना दिख रहा है पूरा का पूरा वैली है, तो सुंदर सा ग्रीन वैली है, इसलिए इसका नाम है ग्रीन हिल्स।
हिल भी दिखता है, तो सुंदर सा व्यू है, तो मैं दिखाता हूँ कल, ये देख लो यहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं, तो मस्त लगा हुआ है हमारा बिस्तर, खाना आने वाला है तो खाने का वेट करेंगे।